हेलो दोस्तों, मेरा नाम रियाज और आप देख रहे हैं टेक्निकल रियाज चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रावो वीपीएन एप्लीकेशन के बारे में। दोस्तों, रावो वीपीएन एप्लीकेशन क्या है और इस एप्लीकेशन को आप किस तरह से आपके मोबाइल में यूज़ कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी बताने वाला हूँ रावो वीपीएन एप्लीकेशन के बारे में। तो आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो को भी अच्छा लग जाए तो वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, रावो जो एप्लीकेशन है एक वीपीएन एप्लीकेशन है जिसमें यहाँ पर आपको अलग अलग वर्ल्ड वाइड सर्वर देखने को मिल जाते हैं, जिनको यहाँ पर आप इजीली तरीके से वो भी आपके मोबाइल में वन क्लिक में ही यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर आपको अलग अलग वर्ल्ड वाइड सर्वर देखने को मिल जाते हैं जिसमें आप फास्ट यहाँ पर आप यूज़ एप्लीकेशन को कर सकते। उसी के साथ साथ दोस्तों, यहाँ पर आपको 1000 से ज़्यादा यहाँ पर वर्ल्ड वाइड सर्वर देखने को मिल जाते हैं जिनको आप आसानी से यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक कमाल की एप्लीकेशन है जिसको आप वन टैब में ही यूज़ कर सकते हैं, वो भी आपके मोबाइल में। तो एप्लीकेशन को किस तरह से यहाँ पर यूज़ कर सकते ये मैं आपको बता देता हूँ। एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए एप्लीकेशन को करेंगे ओपन और जो मोबाइल में एप्लीकेशन है कुछ इस तरह से रावो वीपीएन एप्लीकेशन ओपन हो जाती है। सबसे पहले जो इसकी आपको पहले ये बता देगा प्राइवेसी पॉलिसी, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी तरह से आपको रीड कर लेनी है और रीड कर लेने के बाद आपको एग्री टू कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे ये एप्लीकेशन कुछ इस तरह से ओपन हो जाती है। जैसे एप्लीकेशन ओपन होती है आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा और दोस्तों, ये एप्लीकेशन का नाम आपको ऊपर की साइड में दिखाई देगा जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों, आप जो भी यहाँ पर सर्वर यूज़ कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पर आपको दिखाई देगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैं यहाँ पर अभी यूज़ कर रहा है उसका यहाँ पर नाम आ जा रहा है। उसी के साथ साथ दोस्तों, यहाँ पर आप कोई वर्ल्ड वाइड सर्वर चेंज करना चाहे तो आपको टैप टू चेंज पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको जो सर्वर का नेम है और सर्वर के नेम के नीचे ही टैप टू चेंज का ऑप्शन है, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको यहाँ पर सिलेक्टेड सर्वर लिस्ट यहाँ पर आ जाती है। दोस्तों, यहाँ पर जो भी सर्वर लिस्ट है यहाँ पर आ जाती है और इसमें जितने भी आपको सर्वर मिलते हैं वो सभी आपके सामने यहाँ आ जाते हैं, तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हो। ऊपर की साइड में आपको स्पीड वाला ऑप्शन मिल जाता है, आप यहाँ पर स्पीड टेस्ट के हिसाब से यहाँ पर फिल्टर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको आप अलग अलग हिसाब से यहाँ पर जो फिल्टर करना चाहे तो आप आपके हिसाब से भी फिल्टर यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अलग अलग जो पिंग के हिसाब से यहाँ पर आप फिल्टर कर सकते हैं। यहाँ पर आप जो भी आपको यहाँ पर वर्ल्ड वाइड सर्वर पसंद आता है आप उसको यूज़ करना चाहे तो यहाँ पर आपको सिंपली उसके ऊपर क्लिक करना है और जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा और नाम आ जाने के बाद ये आपसे कुछ इस तरह से यहाँ पर परमिशन मांग लेता है और परमिशन मांगने के बाद आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये आपके सामने कुछ इस तरीके से यहाँ पर नाम आ जाता है और नाम आ जाने के बाद आप उसको यूज़ कर सकते हैं, या तो आप दोस्तों यहाँ पर टैप टू कनेक्शन पर क्लिक करके आप उसको यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन में आपको डाउनलोडिंग स्पीड कितनी मिल रही है वो आप दिखा सकते हैं, यहाँ पर आपकी पिंग कितनी आ रही है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर सबसे खास बात ये एप्लीकेशन की आप अपलोडिंग स्पीड भी देख सकते हैं कि कितनी यहाँ पर आपको अपलोडिंग स्पीड मिल रही है। तो यहाँ पर जो सामने वाले फीचर्स हैं मैंने सभी आपको बता दिया। यहाँ पर आपको लोकेशन दिखाई देती है, लोकेशन में आप ये देख सकते हैं कि मतलब आपकी कौन सी लोकेशन आप अभी यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। उसी के साथ साथ थ्री लाइन पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको एक स्पीड टेस्ट वाला ऑप्शन मिल जाता है, आप आपके मोबाइल की जो इंटरनेट की स्पीड टेस्ट करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। रेटिंग दे सकते हैं एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर में, फीडबैक एप्लीकेशन को शेयर कर सकते हैं, प्राइवेसी पॉलिसी हेल्प सपोर्ट आपको मिल जाता है, अबाउट सेक्शन और यहाँ पर सेटिंग वाला ऑप्शन मिल जाता है जिसमें यहाँ पर आपको ऑटो रिकमेंडेड, डिस्कनेक्ट और बहुत सारी यहाँ पर जो सेटिंग्स है यहाँ पर मिल जाती है जिनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी रावो वीपीएन एप्लीकेशन जिसके बारे में मैंने आपको पूरी तरह से समझा दिया।